हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। अन्नपूर्णा किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन फ्राई। होली का त्यौहार है तो हर घर में कुछ ना कुछ स्पेशल बनता रहता है। तो मैंने एक ले लिया है बाउल। बाउल में 4 बड़े चम्मच मैदा, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चिली मसाला और थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा ही नमक डाल के इसको अच्छे से मिला के थोड़ा सा पानी ऐड करके मिला लेंगे अच्छे से। इसको बैटर को एकदम गाढ़ा बैटर तैयार कर लेना है। अच्छे से मिलाते रहेंगे इसको। मिलाने के बाद चिकन है ना, चिकन के छोटे छोटे पीसेस करके उसको वॉश करके इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। मैंने कढ़ाई को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। उसमें तेल डाल के ऑयल, रिफाइन ऑयल का यूज़ मैं कर रही हूँ। ये देखिए गर्म हो चुका है तो एक एक करके डाल लेंगे। इससे क्या है कि आपस में चिपकते भी नहीं हैं और अच्छे से पलटने में भी आसानी हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कैसा लगा। तेल को मीडियम पे ही रख के फ्राई करना है चिकन को। तेल जितना ही अच्छा गर्म रहेगा वो उतनी ही अच्छी बूंदें आएंगी और चिपकेगा भी नहीं कढ़ाई में और अच्छे से पलट भी जाएंगे। अच्छे से पलट पलट के उलट पलट के पका लेना है। देखिए कितना बढ़िया पक रहा है और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। फ्राई करने के बाद इसको आप लोग चाहे तो शेजवान चटनी के साथ खाइए, चाहे टमाटो सॉस के साथ, किसी भी साथ खाएंगे बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया क्रिस्पी लगेगा। चिकन फ्राई होके बिल्कुल तैयार हो चुका है। 1 ही 2 मिनट लगे हैं फ्राई करने में और ये पक के तैयार हो चुका है। तो इसको क्या करेंगे, एक बाउल में निकाल लेंगे छान करके। क्या करेंगे, बाउल ले लेंगे, बाउल में निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी का भी एक एक करके डाल के अच्छे से पका के छान लेना है। एक एक करके कढ़ाई में डाल लिए हैं। कितना बढ़िया पक रहा है ये। अब इसको क्या करेंगे, पलट लेंगे। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसी तरह इसको भी बाउल में निकाल लेंगे। ये निकाल दिए हैं सब। ये देखिए कितना बढ़िया फ्राई हो चुका है और देखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है। वाओ,
फिर मैंने इसको सजाने के लिए क्या किया है कि हरे धनिया के पत्ता ऊपर मैंने रख दिए हैं। उसके बाद जो प्याज के हरे पत्ते होते हैं ना, उसको कट करके साइड साइड में ऐसे उसके ऊपर ऐसे छिड़क देंगे, देखने में भी बढ़िया लगेगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। चिकन फ्राई को मैंने सजा दिए हैं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा। जय माता दी, हैप्पी होली आप सबको।